हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री के तीन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रयोगशाला समीकरण, तीन ऐसे प्रयोगशाला समीकरण हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर मॉडल पेपर पढ़ के देखना, उठा के उनको देख लेना कि उनमें कौन से जो हमारे प्रयोगशाला समीकरण हैं, प्रयोगशाला विधि है, उनका सचित्र वर्णन पूछा जाता है, तो इन तीन में से आपको 100% वहाँ पर फंसने वाले हैं। तो इन तीन जो हमारी इंपॉर्टेंट प्रयोगशाला विधि हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसीटोन को बनाने के विधि, भौतिक गुण क्या हैं, इसके रासायनिक गुण क्या हैं। फिर हम दो और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि आपका कल जो है आपका केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसीटोन को प्रयोगशाला में कैसे बना सकते हैं, इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं और इसका उपयोग क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों, हम अगर प्रयोगशाला में एसीटोन को बनाने की बात करें, यानी कि प्रयोगशाला में जब एसीटोन हम जाएंगे तो हम प्रयोगशाला में एसीटोन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सबसे पहले हम इस चीज पर ध्यान देना रहेगा, ठीक है। तो जैसे आप प्रयोगशाला में जाएंगे या फिर हम हेडिंग लगाएंगे बनाने की विधि, ठीक है, आपको इस तरीके से हेडिंग डाल देना। अगर एक क्वेश्चन आता है तो बच्चों सीधा सीधा आपका 5 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। आपको हेडिंग डाल देना बनाने की विधि। अब बनाने की विधि क्या है, ध्यान से देखिए। प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने के लिए कैल्शियम एसीटेट को शुष्क गर्म करते हैं तो एसीटोन बनता है। देखिए, प्रयोगशाला में अगर आपको एसीटोन बनाना है तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम एसीटेट को क्या करेंगे, शुष्क गर्म करते हैं। और तो शुष्क जब हम गर्म करेंगे तो हमारा एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। ये बच्चों हमारा कैल्शियम एसीटेट है, CH3COOH का होल ट्वाइस CA, ये हमारा जो है कैल्शियम एसीटेट हो गया। इसको जब हम हीट करते हैं तो हमारा एसीटोन बन जाता है CH3COCH3, ये हमारा एसीटोन बन जाता है और प्लस CaCO3 जो है हमारा निकल जाता है। यानी कि प्रयोगशाला में बनाने की विधि तो हमारी ये रही, यानी कि ये जो है प्रयोगशाला का हमारा समीकरण है, ठीक है। अब बच्चों बात कर लेते हैं प्रयोगशाला विधि क्या है, इसमें क्या क्या किया जाता है। देखिए, प्रयोगशाला में एसीटोन को बनाने के लिए एक फ्लास्क को, सबसे पहले आप इसका डायग्राम एक मिनट देख लीजिए, फिर आप इस परिभाषा को पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से तरीके से समझ में आ जाएगा। इस तरीके से आपको इसका चित्र बना लेना है, ठीक है। आपकी बुक में कैसा भी बनाओ, आप अगर इस तरीके से बना लोगे तो बनाने में भी आसानी रहेगी, ठीक है। इस पूरे चित्र को एक मिनट देख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा ये डायग्राम है, इस पूरे डायग्राम को इस तरीके से आपको बना लेना है, ठीक है। अब इस तरीके से पूरा डायग्राम जब बना लोगे तो अब हमें क्या लिखना है, इस डायग्राम में हमने जो जो चीजें बनाई हैं, जो जो चीजें आपको दर्शाई गई हैं, वो सिर्फ हमें लिखना है। देखिए, प्रयोगशाला में एसीटोन को बनाने के लिए एक फ्लास्क में कैल्शियम एसीटेट लेते हैं। एक फ्लास्क लेते हैं बच्चों, हमारे पास एक गोल फेंदी का फ्लास्क है, इसमें हमने क्या लिया, कैल्शियम एसीटेट को लेते हैं, ठीक है। फ्लास्क है गोल फेंदी का, इसमें लिखा हुआ है कैल्शियम एसीटेट लेते हैं और फ्लास्क को स्प्रिट स्टैंड की सहायता से कस देते हैं। अब बच्चों हमारा जो स्टैंड है, देखिए यहाँ पर, देखिए आपका जो स्टैंड है, इस पूरे स्टैंड की सहायता से इस फ्लास्क को हमने क्या किया, कस दिया गया यहाँ पर, ठीक है। स्टैंड की सहायता से कस देते हैं। अब फ्लास्क के ऊपरी सिरे का संबंध हम निकास नली से कर देते हैं, यानी कि जो फ्लास्क है इसका ऊपरी सिरा जो है, इसका संबंध जो है वो हम निकास नली, आपको ये दिखाई दे रही है, इससे हमने इस फ्लास्क का संबंध कर दिया गया, ठीक है। निकास नली और इसके ऊपरी सिरे का संबंध निकास नली से कर देते हैं। निकास नली का संबंध जो होता है संघनित्र से कर देते हैं और संघनित्र का संबंध हम ग्राही से कर देते हैं। अब जो बच्चों हमारी निकास नली है वो संघनित्र से संबंधित हो गई और संघनित्र का संबंध हमारा जो है ग्राही से हो गया, यानी कि जिसमें हमें ग्राही पात्र है। जब फ्लास्क को स्प्रिट लैंप की सहायता से हम गर्म करते हैं तो एसीटोन की बाष्प निकलना प्रारंभ होती है। देखिए, एसी जो हमारा फ्लास्क है, जब हम इसको स्प्रिट लैंप की सहायता से, स्प्रिट लैंप लगा हुआ है, इस स्प्रिट लैंप की सहायता से जब हम इसको हीट करते हैं, जब हम इसको गर्म करते हैं तो होता क्या है, तो क्या होता है, यानी कि एसीटोन की बाष्प निकलना प्रारंभ होती है, जिन्हें संघनित्र में भेजते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं, इनको फिर हम संघनित्र में भेजते हैं और जहाँ पर ठंडी होकर, जहाँ पर क्या होती है, ठंडी होती है और द्रव्य एसीटोन का निर्माण करती हैं। क्या करते हैं, ठंडी होकर द्रव्य एसीटोन का निर्माण करते हैं, किसी ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। फिर इनको करते क्या है, किसी एक ग्राही में इनको हम क्या कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको इसका पूरा जो डायग्राम है इसको आपको बना लेना है, ठीक है। अब बच्चों अब हम बात करते हैं, डायग्राम होगी, प्रयोगशाला विधि हो गई और जो उसका प्रयोगशाला समीकरण था, इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करने के बाद, ठीक है, प्रयोगशाला विधि ये हो गई बनाने की विधि। अब इसकी विधि जो प्रयोगशाला विधि हो गई ए है और प्रयोगशाला यानी कि बनाने का प्रयोगशाला में क्या विधि है, ए हो गई, इसी को हम प्रयोगशाला समीकरण भी कहते हैं। बनाने की विधि हो गई, ठीक है, बनाने की विधि यहाँ से लेकर यहाँ तक है और इतना ये थोड़ा हमारा इधर भी है, ठीक है। तो इस पूरे को आपको एक बार देख लेना, देखिए अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हो, ठीक है, इतना फिर इतना है और इधर आपका ये है, ठीक है। इस पूरे को आपको पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों इसके केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं। जो बच्चों हमारा एसीटोन होता है, रासायनिक गुण का मतलब होता है किन किन से अभिक्रिया करता है, एसीटोन से रिलेटेड आपको जो भी अभिक्रिया याद है वो सारी इसकी रासायनिक गुण हो जाएंगे, ठीक है।
जैसे बच्चों अगर एसीटोन की एससीएन से क्रिया कराते हैं, एससीएन से हाइड्रोजन साइनाइड से जब आप एसीटोन की क्रिया कराते हैं, एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3, इसको जब हम तोड़ के लिखते हैं, हमने आपको कन्वर्जन जब पढ़ाई थी रिएक्शन, वहाँ पर भी ये सारी रिएक्शन पढ़ाई गई हैं, ठीक है। इसकी जब एससीएन से क्रिया होती है तो क्या बनता है, एसीटोन साइनोहाइड्रिन बनता है, एसीटोन साइनोहाइड्रिन बनता है, इसका एच जो होता है और ओ जो होते हैं ओएच के रूप में जुड़ जाते हैं और इसका सीएन इधर लग जाता है, CH3 हमारा रहता है, ठीक है। अगर बच्चों इसके NHSO3 के साथ कराते हैं, NHSO3 के साथ कराते हैं तो एसीटोन सोडियम बाइक सल्फाइड बनता है, ठीक है। देखिए इसका जो Na था, इसका H ये वाला है, इस OH के रूप में लग जाता है, NaSO3 हमारा अलग लग जाता है, इसका जो नाम होता है एसीटोन सोडियम बाई सल्फाइड हो जाएगा, ठीक है। अगला बच्चों आता है इसका क्लोरोफार्म से क्रिया, अगर आप इसके क्लोरोफार्म से क्रिया कराते हो एसीटोन से तो आपका क्लोरीटोन बनता है, तो एक हमने रिएक्शन पढ़ाई थी एसीटोन से क्लोरीटोन हम कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो एसीटोन जो होता है इसकी क्लोरोफार्म के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तब हमारा क्लोरीटोन बन जाता है, ठीक है। तो आपको 3 से 4 भौतिक गुण, रासायनिक गुण और भौतिक गुण लिखने होते हैं, तो 3 हमने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण बता दिए। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों इसके भौतिक गुण की। अब बच्चों इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण, यह एक रंगहीन है, मधुर गंध वाला द्रव है, जो रंग भी इसका नहीं है, रंगहीन होता है और मधुर गंध वाला हमारा द्रव है, ठीक है। इसका क्वथनांक 56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह जल एल्कोहल व ईथर में विलय है। देखिए ये क्या होता है, जल में भी विलय होता है, एल्कोहल में भी विलय होता है, ईथर में भी विलय होता है। यह जल से हल्का होता है। होता क्या है बच्चों, एक्चुअल में जो होता है ये जल से क्या होता है, हल्का होता है। अगर बच्चों इसके यूजेस की बात करें, इसके उपयोग की बात करें, तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है, इसका उपयोग हम विलायक के रूप में भी करते हैं। क्लोरोफार्म का अगर हमें निर्माण करना रहता है तब भी हम करते हैं, ठीक है। और रंजकों के निर्माण में भी हम करते हैं। क्लोरोफार्म का निर्माण कैसे करते हैं, हैलोफार्म अभिक्रिया के द्वारा करते हैं। एसीटोन को लेते हैं, उसमें एक हैलोजन और एक क्षार लेते हैं, तो उसकी क्रिया कराते हैं। हैलोजन क्या लेते हैं, Cl2 लेते हैं, क्षार NaOH या KOH लेते हैं, तो हमारा जो है क्लोरोफार्म CaCl3 बनता है। हैलोफार्म अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी, वहाँ पर भी इसका उपयोग होता है एसीटोन का, समझ में आ गया। तो एसीटोन का ये पूरा हो गया। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों हमारा एथिल एमीन है, तो आप पढ़ेंगे बच्चों प्रयोगशाला में एथिल एमीन का निर्माण, यानी कि प्रयोगशाला में आप एथिल एमीन का निर्माण कैसे कर सकते हो, इसको पढ़ेंगे। देखिए प्रयोगशाला में क्या करते हैं, हम एथिल एमीन कैसे बनाते हैं, इसको ध्यान से समझिए। इसकी प्रयोगशाला विधि यानी कि इसके बनाने की विधि भी आप कह सकते हो, ठीक है। प्रयोगशाला में एथिलेमीन बनाने के लिए प्रोपेनामाइड को ब्रोमीन बाद जल के साथ हम गर्म करते हैं। जो हमारा प्रोपेनामाइड होता है इसको ब्रोमीन बाद जल के साथ हम जब हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमारा एथिलेमीन बनता है। तो क्या बनता है, एथिलेमीन बनता है। अगर हम बात करें इसके रिएक्शंस की, प्रयोगशाला जो बनाने की विधि है उसमें जो रिएक्शन है उसमें ए बच्चों C2H5CONH2 है, इसका नाम है प्रोपेनामाइड, इसका ब्रोमीन और इसका जो ब्रोमीन जल, ब्रोमीन बाद जल, देखिए इसमें ब्रोमीन जल जो होता है, ब्रोमीन बाद जल, यहाँ पर आप कोई भी एक ले सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया, ब्रोमीन लिया यानी कि Br2 लिया और प्लस KOH लिया, ठीक है। अब यहाँ पर KOH के साथ जब इसकी अभिक्रिया कराओगे ना तो हमारा जो है एथिलेमीन बन जाती है। एथिलेमीन का सूत्र होता है C2H5NH2, ठीक है। अब इसमें एथिलेमीन बन गई KBr K2CO3 और हमारा जल निकल जाता है, ठीक है। तो हमें कोई मतलब नहीं क्या निकलता क्या नहीं निकलता, हमारा जो मेन कंपाउंड रहता है वो बच्चों बनाने की विधि में रहता है, यानी कि हमारा जो मेन कंपाउंड है वो कैसे बनता है, ठीक है। आपको प्रयोगशाला समीकरण है जो याद रखना है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, 1 से 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि प्रयोगशाला में एथिलेमीन का निर्माण कैसे करते हैं, प्रयोगशाला समीकरण लिखिए, ठीक है। 1 से 2 नंबर में ऐसा पूछ लिया जाएगा, तो आपको ये समीकरण जो है लिखना रहेगा। अब बच्चों इसकी विधि की बात करते हैं, इसमें विधि क्या होती है इनको ध्यान से समझिए। एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 20 ग्राम प्रोपेनामाइड और 18 ml ब्रोमीन लेकर ठंडा करते हैं। एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं, इस फ्लास्क में क्या करते हैं बच्चों, 20 ml प्रोपेनामाइड और 18 ग्राम ब्रोमीन जल को लेकर उसको यानी कि उसको ठंडा करते हैं। फिर इसमें 10% KOH का 20 ml बेलिन मिलाते हैं, 10% KOH जो होता है उसका 20 ml बेलिन मिलाते हैं। अब मिश्रण को तब तक हिलाते हैं जब तक कि ब्रोमो प्रोपेनामाइड के कारण पीले रंग का विलयन ना बन जाए, यानी कि उसको क्या जो भी हमारा विलयन बनता है उसको तब तक हिलाते रहते उस मिश्रण को जब तक ब्रोमो प्रोपेनामाइड का पीले रंग का जो है एक विलयन ना बन जाए। अब इसमें क्या करते हैं, 50% KOH का, अब हम क्या करते हैं, पहले 10% KOH का डाला था, अब 50% KOH का 100 ml विलयन पृथक्कारी के रूप में पृथक्कारी क्यूब से डालकर जल जो ऊष्मक होता है उस पर 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम गर्म करते हैं, जिससे होता क्या है, जिससे विलयन जो होता है रंगहीन हो जाए और तत्पश्चात यानी कि तत्पश्चात फिर रंगीन हो जाए और तत हो जाए तत्पश्चात फ्लास्क के द्रव को आसवन करते हैं, जो फ्लास्क का द्रव होता है उसको आसवन करते हैं, जिससे क्या होता है एथिलेमीन गैस निकलती है, एथिलेमीन जो होती है गैस निकलती है जो ग्राही में तनु
ग्राही में रखे तनु HCl से क्रिया करके एथिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड एथिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड का विलयन देती है। अब इसे क्या करते हैं, तनु KOH के साथ क्रिया करा के एथिल एमीन का हम प्राप्त कर लेते हैं, एथिल एमीन प्राप्त कर गई जाती है। ठीक है, अगर बच्चों इसके हम डायग्राम की बात करें तो आप इस तरीके से आपका इसका एक चित्र है, आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, इसका डायग्राम है, आप इसको बना लीजिए, पूरा देख लीजिए एक बार। ठीक है, प्रयोगशाला में एथिलेमिन का निर्माण आप ऐसे कर सकते हैं। आपकी जो ऊपर वाली रिएक्शन दी गई है, प्रयोगशाला समीकरण दिया गया, आप इसको यहाँ पर भी मैंने लिख दिया। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए और इस डायग्राम को आपको बना लेना है। ठीक है, समझ में आ गया डायग्राम। ठीक है, अब देखिए बच्चों आगे इसके, अब बच्चों इसके जो रासायनिक गुण होते हैं एथिलेमिन के वो क्या होते हैं। देखिए इसके रासायनिक गुण जो होते हैं निम्नलिखित हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो हैं वो इस प्रकार से। जैसे बच्चों एथिलेमिन जो होता है जब क्लोरोफार्म KOH के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, एक अभिक्रिया पड़ी होगी आपने कार्बिलेमिन अभिक्रिया, उसमें हम एनिलीन भी ले सकते हैं और हम एथिलेमिन भी लेते रहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी हम एनिलीन से भी अभिक्रिया कराते हैं तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। अब इसमें क्या करेंगे, जब एथिलेमिन से कराएंगे तो हमारा एथिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। जैसे हमारे पास एथिलेमिन हो गया और हमारा KOH होता है और क्लोरोफार्म, इन दोनों की जब क्रिया होती है, तीनों कंपाउंड्स की एक साथ क्रिया होती है तो हमारा C6H5NC यानी कि फेनिल आइसोसाइनाइड एथिल आइसोसाइनाइड बन जाता है और KCl और जल निकल जाता है। तो मेन कंपाउंड है एथिल आइसोसाइनाइड जो कि आपको कार्बिलेमिन अभिक्रिया में पढ़ने को मिलेगा। अगर बच्चों बात करें HNO2 से क्रिया, जब आप इसकी HNO2 या OHNO से क्रिया करते हैं तो हम एल्कोहल का निर्माण कर देते हैं। जितने कार्बन की एमीन होगी उतने कार्बन का ही जो एल्कोहल बनता है, जैसे दो कार्बन की एमीन है तो दो कार्बन का एल्कोहल हो गया। यानी कि एथिलेमिन की अगर आप क्रिया कराओगे HNO2 के साथ तो हमारा एथिल एल्कोहल बन जाता है N2 और जल हमारा जो है निकल। अगले रिएक्शन है बच्चों HBr से क्रिया, HBr से जो क्रिया कराओगे तो एथिल ब्रोमाइड बनता है। ठीक है, क्या बनता है, एथिल ब्रोमाइड बनता है और अमोनिया बनती है। चौथा हमारा जो है इसके HCl से अगर आप क्रिया कराते हो तो एथिल क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, इसकी कई सारे हैलोजन के साथ आप इसमें जो होता है जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, HI के साथ भी आप क्रिया करा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपके इसके जो रासायनिक गुण हैं, आपको जो कुछ भी पता है आप वो अभिक्रियाएं लिख दीजिए, इससे रिलेटेड जो भी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, यानी कि इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। इसका क्वथनांक जो होता है बच्चों 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, इस जल में क्या है, घुल जाते हैं, जो हमारा एथिलेमिन होता है में घुल जाती है। ये रंगहीन ज्वलनशील गैस है। कैसी है, रंगहीन भी है साथ साथ ज्वलनशील भी है। यह क्षारीय प्रकृति की गैस भी है। ठीक है, यानी कि रंगहीन ज्वलनशील होने के साथ साथ क्या है, क्षारीय प्रकृति की भी गैस है। ठीक है, अब बच्चों बात आते हैं सर इसके एथिलेमिन के उपयोग क्या हो सकते हैं। ठीक है, हमने बताई थी कार्बिलेमिन अभिक्रिया, तो आपको कार्बिलेमिन अभिक्रिया में भी इसका कार्बिलेमिन अभिक्रिया बनाने में भी हम एथिलेमिन का प्रयोग करते हैं। एथिल अल्कोहल के निर्माण में भी करते हैं, एथिल ब्रोमाइड के निर्माण में भी करते हैं, एथिल क्लोराइड के निर्माण में करते हैं। यानी कि उपयोग आप वो सारे लिख सकते हैं जो कि यहाँ पर आपको रासायनिक गुण में, जैसे यहाँ पर लिख सकते थे एथिल आइसोसाइनाइड के निर्माण में, एथिल अल्कोहल के निर्माण में, एथिल ब्रोमाइड के निर्माण में, एथिल क्लोराइड के निर्माण में, सारे क्या हैं उपयोग ही तो हैं, और साथ साथ कार्बिलेमिन के अभिक्रिया के उपयोग यानी कि निर्माण में भी हम इसका जो एथिलेमिन होती है इसका प्रयोग करते हैं। तो एथिलेमिन को समझ में आ गया और आपका एसीटोन आपके समझ में आ गया। अगला देखिए बच्चों, अगला जो बच्चों है जिसमें हम बात करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में, यानी कि K2Cr2O7। देखिए इसको मैं एक बार पढ़ा भी चुका हूँ, फिर एक बार समझ लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है, इसको आप प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे, यानी कि इसके बनाने की विधि क्या है। देखिए अगर आप प्रयोगशाला में पोटेशियम डाइक्रोमेट को बना रहे हैं, K2Cr2O7 को बना रहे हैं, तो आपको 3 से 4 स्टेप के अंदर गुजरना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो होता है उसमें क्या करते हैं, जो हमारा क्रोमेट होता है उसको NaOH तथा जो वायु होती है उसके साथ गर्म करते हैं। जो हमारा क्रोमाइट जो होता है उसको क्या करते हैं, NaOH और वायु के साथ जब गर्म करते हैं तो Na2Cr2O4 बन जाता है, सोडियम क्रोमेट बन जाता है। क्या बन जाता है, सोडियम क्रोमेट बन जाता है। ये रिएक्शंस जो हैं आप याद रख लेना। अब बच्चों जो हमारा सोडियम क्रोमेट बना इसको हम अगले स्टेप में ले आते हैं। सोडियम क्रोमेट को H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो बनता है क्या, सोडियम डाइक्रोमेट बन जाता है। यानी कि सोडियम जो क्रोमेट हमारा बना था इसको H2SO4 के साथ हम जब हीट करेंगे तो हमारा सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 बन जाएगा। अब जो हमारा सोडियम डाइक्रोमेट बन गया है बच्चों, इस सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम क्लोराइड के साथ गर्म करेंगे। यानी कि जो सोडियम डाइक्रोमेट है उसको हम क्या करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ गर्म करेंगे। जब पोटेशियम क्लोराइड के साथ जब गर्म करते हैं बच्चों, जब पोटेशियम क्लोराइड के साथ गर्म करेंगे तो पोटेशियम
डाइक्रोमेट हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो सोडियम डाइक्रोमेट था इसको पोटेशियम क्लोराइड के साथ हमने गर्म किया। ठीक है, अब पोटेशियम क्लोराइड के साथ हीट करने पर पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाता है और NaCl हमारा जो है वो हमारा निकल जाता है। ठीक है, अगले बच्चों बात करें इसके फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुण, ये क्या होता है, ये रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। ये कैसा होता है, रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है और जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। अगला बच्चों है इसके रासायनिक गुण यानी कि इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, पहले आप इसकी NaCl से क्रिया कराएंगे तो आपका सोडियम डाइक्रोमेट बन जाएगा, फिर अम्लीय माध्यम में आप H2O2 से हाइड्रोजन परऑक्साइड से, ये जो आपका एक रासायनिक गुण है, एक आपका अम्लीय माध्यम में ओजोन से यानी कि O3 से क्रिया है, ये भी एक इसका रासायनिक गुण है। तो आप ये तीन जो है इनके रासायनिक गुण है, आप इन तीनों को याद रख लेना क्योंकि आपसे बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप आसानी से लिख दो। और मैंने आपको ये डिटेल में अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक को समझा कर मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आप वो देखना चाहते हो चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर K2Cr2O7 का आपको फुल डिटेल वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसके उपयोग की बात करें तो चर्म उपयोग में होता है, ठीक है, रंगाई व पोताई में भी होता है, क्रोमेट क्लोराइड के परीक्षण में होता है, वहां पर मैंने आपको बताया कैसे क्या कंपाउंड बनते हैं। यहां पर मैंने आपको सिर्फ समझाने का, क्योंकि टाइम है नहीं आपके पास, मैं इसको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, अगर आपके मन में समझ में नहीं आ रहा है वाला क्वेश्चन ये टॉपिक है तो आपके मन में अगर कोई भी डाउट है ना तो आप तुरंत जाइए क्रोमेट क्लोराइड जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट पर मैंने लेक्चर अपलोड किया है उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है एकदम ट्रिक के साथ, आप वहां से समझ सकते हो। ठीक है, अगर आपको यहां पर समझ में नहीं आ रहा है, अन्यथा आपको हर एक टॉपिक को समझ कर चलना है, मैं आपको हर एक टॉपिक ऐसे बताता हूं कि आपके मन में कोई डाउट ही ना रहे। ठीक है, अगर आपके मन में कोई डाउट रहता भी है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में तुरंत कमेंट करके बच्चों पूछ लीजिएगा, मैं आपका डाउट जरूर सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।